So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th. This is Kishan Jaiswal. In this video, I will tell you कि आपको NTSC की preparation किस तरह से करनी है, पूरा complete plan आपका क्या होना चाहिए. इस video से पहले 3-4 video मैंने बनाई थी. पहली video में आपको बताया था कि NTSC क्या है, सब कुछ एकदम detail में, ठीक है. एक video मैंने बताई थी जिसमें कि syllabus क्या है इसका, कौन कौन से chapter किस तरह से पढ़ने हैं, और उसके बाद एक video बनाई थी कि आपको कौन कौन सी किताब लेनी चाहिए, ठीक है. उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में रैंकर्स क्लास 9 10th के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, एनटीएससी नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है. इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे वो उन बच्चों की जो इस साल क्लास 9th में है, वो अगले साल 10th में जाएंगे, मतलब वो मार्च में अपना 9th का एग्जाम दे रहे होंगे, अब वो 10th में जाएंगे. और उन सभी बच्चों से मेरी एक गुजारिश है कि आप सभी लोगों को एनटीएससी नाम की जो एक एग्जाम है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है एनटीएससी क्या है, कि कैसे कैसे क्या होता है, तो उन सभी बच्चों को इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए. आप इसको क्वालिफाई करते हैं, इसमें रैंक लाते हैं या नहीं लाते हैं, सारी बातें अलग की बात है, बट आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप आगे जाके किसी अच्छे फील्ड में पहुंचे, जेई के फील्ड में पहुंचे, नीट के फील्ड में पहुंचे, या फिर जिस फील्ड में आपका मन हो वहां तक पहुंचे, तो आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है. इस वीडियो में आपके बारे में मैं आपसे एक शेयर करूंगा कि आपका पेपर की प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इच्छा होती है वो घर बैठे आराम से प्रिपरेशन करें, उनको किताबें मिल जाए, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो बच्चे कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन. तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और चीजों को समझिएगा. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके दो पेपर होते हैं, कौन कौन से भाई, मैट और सेट के. 2 घंटे का मैट होगा, 2 घंटे का सेट होगा, ठीक है. 100 नंबर का मैट होता है, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, ठीक है. मैट क्या होता है, मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और सेट क्या होता है, स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, ठीक है. इसमें आपके स्कूल करिकुलम से चीजें पूछी जाती हैं, और इसमें आपका मेंटल क्या होता है, इसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है, रीजनिंग पूछा जाता है, और बेसिक मैथ, ठीक है, बेसिक मैथ. बेसिक मैथ क्या होता है भाई, क्लास 6, 7, 8 की मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक. सेट में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, 40 नंबर की सोशल स्टडीज पूछी जाएगी क्लास 9th और 10th की, 40 नंबर का साइंस पूछा जाएगा क्लास 9th और 10th का, और 20 नंबर का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा क्लास 9th और 10th का. आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है. सिलेबस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, उसकी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा. अब मैं बात करता हूं, ये मार्च का महीना चल रहा है, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तब के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बना सकते हैं. एक रफ आइडिया मैं देता हूं, जब ये मैं मार्च में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब से आपके पास कितना टाइम है भाई, अप्रैल का 1 महीना, मई का 2, जून 3, जुलाई 4, अगस्त 5, सितंबर 6, अक्टूबर 7, और नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा. तो आपके पास टोटल 7 मंथ है, ठीक है, यू हैव टोटल 7 मंथ्स. इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका क्लास 9th लगभग फिनिश हो चुका है, अब क्लास 10th में आप जाने वाले हैं, तो आपको ये चीज कोशिश करना है, अगर आप एनटीएससी के लिए ओरिएंटेड हैं, तो आप शुरू के 3 महीनों में आप क्या करोगे बेटा, शुरू के 3 महीनों में अप्रैल, मई और जून, ठीक है, अप्रैल, मई और जून में अपने 9th को मजबूत करोगे, ठीक है. क्लास 9th की क्या क्या करोगे तुम, क्लास 9th का SST करोगे, ठीक है, सोशल स्टडी जो कि कंसिस्ट करता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ठीक है, तीन चारों चीज, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और हिस्ट्री, प्लस साइंस करोगे. इन 3 महीनों का ये प्लान होना चाहिए, साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, ठीक है, ये 3 चीज, और प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है. ये तो हो गया क्लास 9 की बात, जो कि क्लास जो आपको शुरू के 3 महीने में करनी है, प्लस आपको इसके साथ ही साथ रीजनिंग के भी सारे चैप्टर एक बार देख लेने हैं. रीजनिंग की चीजें आपको प्रैक्टिस पे आती हैं, ठीक है, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग इज नथिंग, रीजनिंग के लिए आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होने की काफी जरूरत नहीं है, बस आपका मेंटली कितना तेज काम करता है, जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहोगे उतना चीजें हो जाती है, ठीक है. तो ये काम आपको कब तक फिनिश कर लेना है, आगे आने वाले 3 महीनों में. ध्यान ये रखेंगे कि आपकी क्लास 10th की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा बहुत उसको भी देखते रहेंगे, बट फोकस आपको होना चाहिए कि जून तक मैं अपने क्लास 9 को फिनिश कर सकूं. देखिए, अगर आपका एम है एनटीएससी, अगर आप डेडिकेट होके आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी. देखिए, थोड़ा सा हार्डवर्क थोड़ा करना पड़ता है, 6 घंटे की जगह 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन ये सारी चीजें आप फॉलो जरूर करिएगा, क्लियर. तो जून तक कोशिश करिएगा कि आप क्लास 9 को फिनिश कर लें, ठीक है. उसके बाद एक मंथ आएगा जुलाई का, ठीक है,
इस जुलाई में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है, जो भी चीजें आपने पिछले 3 महीनों में पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि आप जब तक जून तक पहुंचेंगे तब तक आप चीजों को भूल चुके होंगे, ठीक है। तो आपको चीजें रिवाइज करनी है जुलाई के महीने में, और उसके बाद अगस्त, क्योंकि आप 10th पढ़ते हुए आ रहे होगे स्कूल के साथ, थोड़ी बहुत 10th की नॉलेज होती चल रही है, 10th छूट नहीं रहा है, क्लास 9th कवर हो रहा है प्लस 10th आपके स्कूल में चल रहा है, कोचिंग में चल रहा है, तो आपका 10th भी धीरे धीरे चल रहा है। तो आगे आने वाले 2 से 2.5 महीने में आपको क्लास 10th को एकदम प्रॉपर कवर करना है, ठीक है, क्लास 10th को प्रॉपर कवर करना है। ये देखिए पूरी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं अपकमिंग एग्जाम तक, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या करना होगा भाई, 10th की SST, 10th की साइंस और 10th की मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको कवर करना होगा। ध्यान ये रखना SST और साइंस को बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक है, क्योंकि वेटेज इसका ज्यादा है, ठीक है। SST और साइंस ये सारी चीजें याद करने वाली चीजें, रटने वाली चीजें हैं, तो बुक रीडिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी है उनको, आपको मेनली देखिए NCERT बुक तो फॉलो करनी ही करनी है, आप कहीं से पढ़िए चाहे मत पढ़िए, किसी का भी मटेरियल पढ़िए या ना पढ़िए, मुझे इससे नहीं दिक्कत है, बट आपको NCERT बुक फॉलो करनी है, आप CBSE के हो, ICSE के हो, किसी भी बोर्ड के हो, ठीक है। और आप NTSC ओरिएंटेड कोई किताब खरीद सकते हैं, अगर आपको कहीं का कोचिंग मटेरियल मिल जाए तो भी अच्छी बात है, या फिर NTSC ओरिएंटेड कोई किताब आप ये खरीद लीजिए, NTSC बुक वाली वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई थी, ठीक है, उसको देख लेना बेटा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अगर मिल जाए कहीं से, कि पिछले साल के पेपर वाले क्वेश्चन आपको मिल जाए, पेपर मिल जाए, तो आप वैसी किताब कोई पतली सी जिसमें आपके पेपर हो प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके लिए एक किताब खरीद सकते हैं। और प्लस ये सैंपल पेपर वाली किताब आपको तब खरीदनी होगी जब आपके एग्जाम लगभग 1-2 महीने बचेंगे ना, तब सैंपल पेपर वाली किताब आपको खरीदवा दी जाएगी, और आप एक सैंपल पेपर वाला किताब ले लीजिएगा, बस इतनी चीजें आपको जरूरत है, और ये आपका पूरा प्लान होगा स्टेज 1 के लिए, ठीक है। आई होप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, प्रिपरेशन करते समय कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। अगर आप शुरुआत से चीजों को स्टार्ट की हो, अपना एम बनाए हो कि हाँ मुझे NTSC क्रैक करना है, मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है, मुझे रैंक लाना है, मुझे स्कॉलरशिप जीतना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आप शुरुआत से शुरू करना, ये बहुत आसान लेवल का पेपर होता है, बच्चे इसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आप देखोगे जयपुर राजस्थान कोटा के बच्चे इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बच्चे डेडिकेट होकर उसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो आप भी क्रैक कर सकते हैं, इट इज नॉट कि बस वही वाले बच्चे जो कोचिंग में पढ़ते हैं वही क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, आप खुद से भी चीजों को कर सकते हैं, सिर्फ आपका डेडिकेशन और आपकी कंसिस्टेंसी आपको यहां तक पहुंचाएगी, क्लियर। तो आप शुरू से स्टार्ट करिएगा और चीजों को ब्रेक मत करिएगा, जैसे जैसे मैंने प्लान आपको बताया है कि किस तरह से चीजें आपको करनी है, तो आपके पास यही प्लानिंग है, इसी तरह से आपको स्टेज 1 की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। स्टेज 1 में अच्छा करिए, उसके बाद जब स्टेज 1 आपके अंदर अच्छा करेंगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा, सैंपल पेपर जब लास्ट में लगाएंगे, यहां पे नंबर्स आपके आएंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप बहुत कुछ सीखोगे इस फील्ड में, ठीक है, इस पूरे जर्नी में आपको सीखने को बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि NTSC एग्जाम चलो दिया जाए, बहुत अच्छा एग्जाम है, इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। होता क्या है, हम सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं क्लास 10th तक, और हमारे अंदर कंपटीशन को प्रिपेयर करने की हैबिट नहीं होती है, ठीक है। जब हम 11th में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें JEE की प्रिपरेशन करनी है या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी है, और हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा होता है, प्रिपरेशन करने का तरीका अलग होता है, तो हम डर जाते हैं, और 12th तक पहुंचते पहुंचते या टारगेट तक पहुंचते पहुंचते हमसे चीजें क्रैक नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर आप 9-10 से अपने आप को कंपटीशन के हैबिट में डालोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्लियर बच्चों। ये सारी चीजें मैंने समझाई, इसको फॉलो करिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, मुझसे पर्सनली आप कोई चीज जानना चाहते हो, तो नंबर मैं दे दे रहा हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर दिख रहा है यहां पे, हाँ ठीक है, 81, एक सेकेंड मैं कहीं पे भी लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, यहां पे 81 760 594 35, क्लियर बच्चों।
जो बच्चे सीरियस होंगे, जो बच्चे चाहते हैं कि भैया प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, मैं से कनेक्ट होकर चीजें को करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मिलकर चीजों को बताएंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको चीजें जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो बच्चे भी NTSC का प्रिपरेशन करें और आप लोग बहुत अच्छा कर सके, एग्जाम में स्कॉलरशिप जीत सके, आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके फैमिली को प्राउड होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।